अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब का चैनल फ्री टिप्स एंड ट्रिक्स उर्दू। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। आज ये एक मोबाइल मेरे पास दोस्त लेके आया है, सैमसंग का मोबाइल है A10। ये गूगल अकाउंट बाईपास करना है, वो रिस्टोर करना था उन्हें सेटिंग में जाके, तो उन्होंने हार्ड रीसेट कर दिया है, तो उसकी वजह से अभी ये गूगल का अकाउंट मांग रहा है उन्हें। तो जीमेल की आईडी ना याद है, ना ही पासवर्ड याद है कौन सा लगा हुआ था। तो उसके लिए इसको मोबाइल को हम गूगल अकाउंट बाईपास करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आपके सामने मोबाइल स्क्रीन पे मैं करता हूँ। ओके तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। ये मैं मोबाइल स्क्रीन पे आ गया हूँ, लेट्स गो। ऑल टिक मार करके नेक्स्ट कर दें। इसका मेन मेथड जो है वो आपके पास सिम पे पिन लॉक होना चाहिए, एक सिम के ऊपर आप पिन लॉक लगा लें। ओके, वो जैसे ही सिम इंसर्ट करेंगे तो पिन लॉक शो होगा, तो उसी के साथ वो वाईफाई कनेक्ट करें। वाईफाई कनेक्ट करने के बाद आप सिम इंसर्ट करेंगे, 2 सेकंड के बाद आप नेक्स्ट का बटन दबा देंगे। मैं स्टेप बाई स्टेप आपके सामने कर रहा हूँ। वाईफाई कनेक्ट हो गई है। ओके, सिम इंसर्ट कर रहा हूँ और साथ ही नेक्स्ट का बटन दबा रहा हूँ। फिर लॉक सामने शो हो गया, फिर सिम को बाहर निकाल लूँगा। जैसे ही सिम को बाहर निकालूँगा तो लॉक का आइकॉन शो होगा, उसके ऊपर क्लिक करके स्लाइड करूँगा नीचे की तरफ। ओके, ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं कैमरे की फ्लैश लाइट जला लेता हूँ। ओके, ये देख लें, आपके सामने स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। ओके ओके, साथ ही सॉरी, ट्राई अगेन। ओके करके स्लाइड करेंगे नीचे। यहाँ पे इस तरह ट्राई करते रहें, 2-3 दफ़ा ट्राई करेंगे तो ये लॉक खुल जाएगा। ये देखें सामने आ गया है। अब मोर सेटिंग में आ जाएंगे। ओके, ये गूगल प्ले नीचे लिखा हुआ होगा, इसे सी आल पे आप क्लिक कर देंगे। सी आल क्लिक करने के बाद ये ऊपर मोस्ट रिकेंट लिखा हुआ है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे आल पे आप क्लिक कर दें। ओके, सारी एप्लीकेशन खुल जाएंगी। उसके बाद आप यूट्यूब पे क्लिक कर लें, यूट्यूब पे क्लिक करेंगे। ओके, यूट्यूब पे क्लिक करने के बाद हिस्ट्री एंड प्राइवेसी पे क्लिक करेंगे। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद यूट्यूब के ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। जैसे ही आपका ब्राउज़र ओपन होगा तो आपने यहाँ पे vnrom.net/frp-bypass ये आपने यहाँ पे एंटर करना है। ओके, मैं दोबारा से लिख रहा हूँ। ये वेबसाइट जब ओपन होगी तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे दो सॉफ्टवेयर जो आपके मोबाइल का वर्जन है। मेरे पास 8.9 है। ओके, मेरे पास सैमसंग का मोबाइल है 8.10। ये ओपन हो गई है, तो ये एंड्राइड 8.9 GAM APK इसको कर रहा हूँ, और दूसरा जो है FRP bypass, इन दोनों को मैं कर रहा हूँ। ओके, ये मेन होता है, आप यहाँ पे आ जाएं क्रोम तक। ओके, क्रोम में आ जाएंगे, वैसे भी आप FRP AP की लिखेंगे वो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, या इस तरह बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। मेन ऑप्शन होता है कि यहाँ तक आप पहुँचेंगे कैसे। इधर अगर आ गए तो फिर आगे आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। ओके, ये पहले आप एंड्रॉयड 8.9 वाली जो की है आप उसे इंस्टॉल करेंगे, फिर उसके बाद FRP bypass आप उसे इंस्टॉल करेंगे।
ओके दोनों डाउनलोड हो जाएंगे, जब उसे इंस्टॉल करेंगे डाउनलोड में आ जाएंगे, डाउनलोड में आके देख लेंगे। ओके ये मेरे पास नेट की स्पीड थोड़ी स्लो है इस वजह से, आपके पास क्या पता स्पीड अच्छी हो। अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी कर दें, इससे मुझे रहनुमाई मिलती है। कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट्स में पता कर सकते हैं। ओके ये गूगल अकाउंट मैनेजर को पहले आप इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद FRP को इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद आप उसे ओपन कर लेंगे। ये आपके सामने इंस्टॉल हो रहे हैं। मोबाइल के कैमरे से वीडियो बना रहा हूँ, क्या पता आपको सही शो भी ना हो रही हो, उसके लिए माजरत, लेकिन इतना है कि आपको समझ आ जाएगी। ये डाउनलोड हो रही है FRP फाइल। ओके नेट थोड़ा मेरे पास स्लो है इस वजह से। ये मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद इसे मैं ओपन करूँगा। ओके ओपन करेंगे तो साथ ही ऊपर तीन डॉट आते हैं, आप इनके ऊपर क्लिक करेंगे। इनके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ब्राउज़र साइन इन पे क्लिक करेंगे और साथ ही ओके कर देंगे। ओके ये जीमेल की आईडी जो आपको याद है वो आप जीमेल की आईडी लिख देंगे, आईडी लिख के नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप नीचे पासवर्ड डालेंगे। ओके ये पासवर्ड के लिए मैं थोड़ी मोबाइल साइड पे कर दूंगा, क्योंकि पासवर्ड तो सामने नहीं लगा सकता आपके। ओके मैं पासवर्ड लगा रहा हूँ। ये पासवर्ड मैंने लगा दी है। ओके नेक्स्ट, यहाँ से मैं वीडियो की स्पीड थोड़ी तेज कर दूंगा। क्योंकि देर बहुत ज़्यादा लगेगी ऐसे। ओके तो ये जैसे ही आप अकाउंट इसमें ऐड करोगे तो ये ऑटोमेटिक बैक चला जाएगा। ओके आप ऐसे वैसे मैनुअल बैक करना चाहें तो मैनुअल भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे करें आप पावर वाला बटन दबा के रखें और मोबाइल को रिस्टार्ट कर लें। ओके मैं पावर वाला बटन दबा के रखता हूँ और मोबाइल को रिस्टार्ट कर देता हूँ। ये ऑन हो गया मोबाइल, सैमसंग का लोगो शो हो गया। ये थोड़ी देर लगेगी, स्टार्टिंग हो रहा है। ओके ये ऑन शुरू हो गया स्टार्ट। ओके इसके बाद स्टेप बाय स्टेप
जैसे नया मोबाइल आप लेते हैं तो वैसे ही क्या नाम है आ जाएगा। ये तो आपने अकाउंट लॉग इन कर दिया, आपके लिए भी मुश्किल नहीं है। फिर भी इधर आपको समझ नहीं आ रही तो वीडियो देख के स्टेप बाय स्टेप चलते जाएं। ओके ओके चेकिंग अपडेट्स वगैरह होंगी तो उस पर थोड़ी देर लग जाएगी। मेरे पास नेट काफ़ी स्लो है, क्या पता आपके पास अच्छा हो तो आपके पास ये जल्दी हो जाए। ओके अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर भी कर दें। ओके दोस्तों, ये देख सकते हैं मोबाइल ऑन हो गया है। ओके आपके लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ओके खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।